गिरिडीह कॉलेज में मंगलवार की शाम कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बताया गया कि 3 दिन से दौड़ रहे फर्स्ट ईयर के छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर कुछ छात्रों और शिक्षकों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि एक शिक्षक ने आकाश यादव नाम के युवक का शर्ट फाड़ दिया। युवक का शर्ट फाड़ने वाले शिक्षक की पहचान एमएन सिंह के रूप में की गई है। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को सामान्य करने का प्रयास किया। बताया गया कि कोलडीहा के एक छात्र अंशु यादव अपने भाई पप्पू यादव व एक और युवक आकाश यादव के साथ फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने कॉलेज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अंशु सीबीएसई बोर्ड से निर्धारित पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए गिरिडीह कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते थे, लिहाजा छात्र अंशु मंगलवार को कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के कर्मी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज देने लगे, लेकिन कर्मी ने 1-2 दिन बाद दस्तावेज जमा लेने की बात कहकर तत्काल लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद कॉलेज परिसर में हंगामा हुआ। हंगामा के बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। घटना के वक्त कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक सिन्हा के अलावे लेक्चरर डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी समेत कई लेक्चरर मौजूद थे। इस बीच जब पुलिस पहुंची तो माहौल सामान्य हुआ। मौके पर आजसू छात्र संघ के पूर्व सचिव अमित यादव ने कॉलेज प्रशासन के द्वारा मारपीट कर छात्रों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए भ्रष्ट शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इधर शिक्षकों ने छात्रों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग और रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हम जब बोल रहे हैं आपको कि मेरा सारा सब पेपर सही है, आप यहाँ मान चुके हैं, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन परसों से आप क्यों घुमा रहे हैं सर? हमको सही क्यों? अभी आप बोले ना सर कि जाके लेट फाइन हो गया, 200 रुपया दीजिए। आप हमको अब क्यों बोल रहे हैं लेट फाइन करने के लिए? मेरा छोटा भाई है सर, ये किसका छोटा भाई था। कागज लेमिनेशन कौन कराया? लेमिनेशन हम करवाए सर। ठीक है, फुल क्यों नहीं रहा है? गलती किसकी, मेरी है कि तुम्हारे पली होता सर? ये आप 3 दिन से घूम रहे हैं इसको लेकर। हाँ, इसको 3 दिन से घूम रहे हैं, नहीं खोल पाए। ये हम कैंसिल कैसे करेंगे? लेकिन 3 दिन से सर ये चीज़ फर्जी है। मेरी बात सुनो, 3 दिन से लेके घूम रहे हो, कागज तुम्हारा है, हम जब भी करेंगे कैंसिल तो हम कैंसिल करेंगे। इसमें हम कैंसिल कैसे करेंगे? तुमको खोलने के लिए दिया गया, तुम खोल के नहीं लाए, तो हम कैंसिल कैसे करेंगे? तो गलती मेरी है कि तुम्हारी है, पहले बताओ कागज किसका है? लेमिनेशन का काम नहीं करते, पेपर ओरिजिनल है ना सर? ना कागज किसका है? कागज मेरा है। तो लेमिनेशन कौन करवाया? लेमिनेशन हम करवाए। खोल के तुम लाओगे कि हम लाएंगे? इसमें आप ये बोल सकते सर कि खोल के लाओ, कैसे भी लाओ, दिया गया ना 3 दिन तुमको, दिया गया ना यार खोल के लाने के लिए। आप लेट फाइन करने बोल रहे हैं सर, हम 2-3 दिन से घूमे। अरे यार, जब तुम्हारा कागज है, तुम आज हमको प्रोड्यूस कर रहे हो, आज भी तुम नहीं दे रहे हो, तो परसों से मुझे ये कहा गया कि ये फर्जी है। हमको परसों से ये कहा गया सर फर्जी है, तुम्हारा कागज तुम खोल के लाओगे? इसको हम हाँ बताइए, आपके काम में बाधा मत दो। हम क्या बोल रहे हैं सर, हम परसों से घूम रहे हैं सर। आप हमको किसका है ये कागज? मेरा छोटा भाई है सर, ये पप्पू। हाँ, मेरा छोटा भाई है सर। कागज लेमिनेशन कौन कराया? लेमिनेशन हम करवाए सर। ठीक है, फुल क्यों नहीं रहा है? गलती किसकी, मेरी है कि तुम्हारी? पहले बताओ सर, ये आप 3 दिन से घूम रहे हैं इसको? हाँ, इसको 3 दिन से हम घूम रहे हैं। 3 दिन से नहीं खोल पाए, ये हम कैंसिल कर। लेकिन 3 दिन से सर ये चीज बोला जा रहा है हमको कि ये फर्जी है। मेरी बात सुनो, हाँ सर, 3 दिन से लेके घूम रहे हो, कागज तुम्हारा है, हम जब भी करेंगे कैंसिल तो हम कैंसिल करेंगे। इसमें हम कैंसिल कैसे कर? तुमको खोलने के लिए दिया गया, तुम खोल के नहीं लाए, तो हम कैंसिल कैसे करेंगे? आप गलती मेरी है कि तुम्हारी है, पहले बताओ। कागज किसका है? लेमिनेशन का पेपर ओरिजिनल है ना सर? कागज किसका है? कागज मेरा है। तो लेमिनेशन कौन करवाया? लेमिनेशन हम करवाए। खोल के तुम लाओगे कि हम लाएंगे? तो इसमें आप ये बोल सकते हैं सर कि खोल के लाओ, कैसे भी लाओ, आप ये कैसे? आप लेट फाइन करने बोल रहे हैं सर, हम 2-3 दिन से घूमे। तुम्हारा कागज है, तुम आज हमको प्रोड्यूस कर रहे हो, आज भी तुम नहीं दे रहे हो सर। परसों से मुझे ये कहा गया कि ये फर्जी है। हमको परसों से ये कहा गया सर ये फर्जी है, अब हम इसको लेमिनेशन हम इसको खुलवा के लेंगे। आप करिएगा ना सर काम। ठीक है, तो फाइन देंगे हम। भी
मामला ये था कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोग लगभग 3 से 4 दिन पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। हम लोग को ये बोला गया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का जो तुम्हारा माइग्रेशन का फॉर्म है वो फर्जी है, और वो लोग ये चीज़ बोल के नहीं बोल रहे कि वो लोग पेपर पूरा फर्जी बोल रहे हैं कि हमको लग रहा है कि फर्जी है। तो हम बोले सर ये फर्जी नहीं है, तीन दिन से हम लोग पूरा प्रयास में लगे हैं कि सर ये फर्जी नहीं, आप लोग नेट में देख लीजिए, जिसमें देखना आप लोग देख लीजिए। और जब आज प्रिंसिपल सर को नेट में फ़ोन में दिखाएं कि सर ये फर्जी नहीं है, और प्रिंसिपल सर बोले कि नहीं ये फर्जी नहीं है, इसका लेमिनेशन तुम निकलवा के लेके आओ, तो हम लोग लेमिनेशन निकलवाने के लिए भी गए। लेमिनेशन जब नहीं निकला तब हम प्रिंसिपल सर के पास गए, प्रिंसिपल सर को बोले सर अब ये नहीं निकल रहा, आप क्या करें। तो प्रिंसिपल सर बोल रहे कि आप तो लेट फाइन देना पड़ेगा तुमको 800 रुपया। तो बोले सर 3 दिन से जो पहले हम घूम रहे हैं, 3 दिन पहले आप अगर बोल देते कि ये जो है ये तुम्हारा पेपर सही है तुम जमा कर दो तो कल ही हो जाता, मेरा लेट फाइन नहीं होता। और जब हम बोले कि सर हम लेट फाइन नहीं देंगे, तो वहाँ जो MN सर जो है वो आके हम लोग को धक्का मुक्की करके और इसका टी शर्ट फाड़ चुके हैं वहाँ पर, पूरा लड़ाई पीटी कर बात करके और पूरा हाथापाई कर चुके हैं, और ये बात बोल के कि यहाँ का जो है विधायक सब मेरा हाथ में है और JMM सरकार मेरा हाथ में है, तुमको जो करना सो कर लो। हम लोग यहीं का स्टूडेंट है सर, और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है स्टूडेंट के साथ में, हम लोग क्या करें, हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। 3 बजे एक लड़का अपने भाई का माइग्रेशन लेके आया और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिसका तिथि ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा कि कल आओ और माइग्रेशन से लेमिनेशन हटा के आओ, क्योंकि हमें ये भेजना पड़ता है कैंसिल करके। तो वो कहने लगा कि नहीं हम 2 दिन से घूम रहे हैं। तो हमने 2 दिन से तो तुम घूम रहे हो, लेकिन आज तुम आए हो 3 बजे, कल से फाइन है, तो कल तुमको फाइन लग जाएगा, तुम माइग्रेशन ठीक करा। तो बाहर आते आते बहुत गाली गलौज करने लगा, पहले तो अकाउंट सेक्शन में घुस के गाली दिया। तो हम लोग बोले कि अकाउंट सेक्शन में सब आज पेमेंट की बात है, चेक सब बाहर में पड़ा हुआ है, तुम लोग क्यों यहाँ घुसे हो, कॉन्फिडेंशियल चेक का करोड़ों की बात होती है। तो वो गुस्सा गया, बोले प्रिंसिपल को कल गोली मार देना। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत हमारे टीचर लोग जो है उस बग करने लगे, उसके बाद स्टूडेंट लोग आ गए, अंतिम में वो भिड़ गया, स्टूडेंट ग्रुप में ही भिड़ गया, जो किसी को नहीं पहचानते हैं वो भिड़ गया। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस आई, वो माफ़ी मांग लिया। तो हमने कहा कि चलो माफ़ी मांग लेता है, स्टूडेंट है, माफ़ी मांगता है, गलती का एहसास हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। कल हमने कहा कि कल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।